आई होप पापा जहां कहीं भी हों सेफ हों। भटकल अंकल ने अपनी विल में दो लोगों को मेंशन किया था, एक मुझे और एक पापा को। उनके लॉकर में ऐसा क्या था जो पापा लेने आए थे? अभी इतने सालों के बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी पापा को? पापा वहां तक गए पर हम लोगों से नहीं मिले। अपने घर अपनी फैमिली के पास क्यों नहीं आए वो? कहीं पापा किसी डेंजर में तो नहीं है? तभी उन्होंने अपने आप से हमें दूर रखा है ताकि हम किसी खतरे में ना आ जाएं। एलियंस प्लास्टिक खाते? ये विचल तो बड़ा ही इकोनॉमिकल निकला, इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है। मैं चिप्स खाऊंगा और ये प्लास्टिक खाएगा। मैं तो कहता हूं कि फ्यूचर में हर एक हाउसहोल्ड में एक पालतू एलियन होना चाहिए जो सब कचरा खा रहे। मेरे को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा, लेकिन कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है। इट्स ऑल डेड एंड। डेड एंड वही होता है ना जहां एक रास्ता खत्म होता है। वीर, जहां एक रास्ता खत्म होता है वहीं से 10 रास्ते शुरू होते हैं। बंटू, एक आइडिया। अब तेरा आइडिया मेरे आइडिया से इंपॉर्टेंट होगा, तू बोल। पापा को ढूंढने का आइडिया मिल गया है बंटू। हम भटकल अंकल के लिए एक शोक सभा रखेंगे, कंडोलेंस मीटिंग। पापा वहां लॉकर तक गए थे, अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो वहां पे भी जरूर आएंगे। ग्रेट आइडिया। बट तेरा बट मेरे बट से इंपॉर्टेंट होगा, तू बता। पब्लिक मीटिंग में रिस्क है बंटू। क्यों? जिस रात भटकल अंकल की बॉडी किसी ने हॉस्पिटल से गायब कर दी थी, मुझे दो लोगों ने किडनैप कर लिया था और किसी अनजान जगह पे छोड़ दिया था, फिर फोन करके इन सब चीजों से दूर रहने की धमकी भी दी थी। ध्यान से सुनो वीर नंदा, भूल जाओ साइकेट्रिक वार्ड को। आज के बाद भटकल और एलियंस के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे तुम। लेकिन अगेन तेरा लेकिन मेरे लेकिन से इम्पोर्टेंट होगा, तू बता। हाँ तो मैं कह रहा था कि इसमें रिस्क है, पर रिस्क तो लेना पड़ेगा बंटू, और कोई ऑप्शन नहीं है। सही कह रहा है बच्ची, बता क्या करना है। नहीं, तू और स्वीटी मेरी इन सबसे दूर रहेंगे। क्या बात कर रहा है बंटू, मैं तुम लोगों को डेंजर में नहीं डाल सकता हूँ और इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। हाँ बस ये कंडोलेंस मीटिंग वाली बात को मुझे इतने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन पापा तक पहुंच जाए। बाप रे, कहीं उस दिन की तरह फिर से डिसबैलेंस होके गिर ना जाए। क्या बात है जारा? वीर, तुम कब आए? बस अभी। जारा, इस बार ना मुझे तुमसे एक काम है। तुम अपने पिक लाइफ से मेरे लिए एक पोस्ट डाल सकती हो? मेरे पिक लाइफ से? एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मतलब जितने भी जानने वाले हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स तुम्हारे ही हैं, तो तुम कर दोगी पोस्ट? ओके, बताओ क्या है। ये
में जब टाइम मिले तुम पोस्ट कर देना। ये वही डेट है जिस दिन फिल्म लॉन्च इवेंट थी और एलियंस ने अटैक किया था। मतलब इस दिन पे तुम्हारे अंकल की डेथ हुई थी, इसलिए तुम नहीं आए थे। तुम ऐसे ही कहीं चले जाते हो जब तुम्हारे अपनों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सारा इवेंट सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरी रात सोया नहीं है कोई, और तुम अब आ रहे हो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। I'm so sorry, Veer. मैंने कुछ जाने सुने बिना पता नहीं क्या क्या कह दिया तुम्हें। I'm really sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं जरा, कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम थोड़ी ना था, ये तो ऐसा कोई करता है क्या। वीर मुझे सेंड करो, मैं अभी पोस्ट करती हूँ। हाँ। भेज दिया जरा। देखो ऑलरेडी कितने लोग शेयर कर रहे हैं। क्या बात है जारा, ऐसा रिस्पांस तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बहुत फास्ट है मेरे फॉलोअर्स। ओह माय गॉड, ये देखो जो हमने हीरो के लिए रिकॉर्ड किया था ना वीडियो, ऑलमोस्ट 90K व्यूज है। फिर तुम्हें क्या लगता है हीरो मुझसे मिलने आएगा? हाँ जारा, अगर उसे तुमसे मिलना होगा तो वो जरूर आएगा। वो कहते हैं ना कि जब अगर दो लोग सेम चीज को सेम टाइम पे सेम इंटेंसिटी के साथ मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। You're right. अब मैं उसे दिल से बुलाऊंगी ताकि उसे भी मुझसे मिलने की उतनी ही चाह हो जितनी की मुझे है, फिर वो जरूर आएगा। मुझे पर अभी भी वक्त है, कैंसिल कर दो आज का इवेंट वरना पछताओगे तुम वीर नंदा। पापा को ढूंढने का बस एक यही तरीका है मेरे पास, नहीं अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे मेरे अपनों की फिक्र है इसीलिए ये शोक सभा रखी है मैंने।
भटकल अंकल मेरी फैमिली की तरह थे, और ये जो आप कह रहे हैं ना एलियंस वगैरह, इनसे मेरा कोई भी मतलब नहीं, इसलिए आप प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। अंकल दिखे? अभी नहीं। ओके। बंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मना किया था ना तुझे यहाँ आने से, पता है ना यहाँ कितना डेंजर है। अरे तभी तो आया हूँ, तुझे कभी अकेला छोड़ा है क्या कि अब छोड़ूंगा? याद है ना, तू जिस कुएं में कूदेगा तेरे पीछे पीछे बंटू भाई भी कूदेगा। बंटू ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं अपनी वजह से तुझे खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे आगे भी कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है, मेरा जो कुछ भी है ना तू है, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी फैमिली, सब। इसीलिए जो कुछ भी करेंगे दोनों भाई मिलकर करेंगे, और जो भी होगा ना साथ में झेल लेंगे। चल ठीक है ठीक है, अब इतना सेंटीमेंटी होने की जरूरत नहीं है। तूने तो कहा था अच्छी के भटकल अंकल के रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग टीआरएसओ के एम्प्लॉयज हैं। मरने के बाद सब याद करते हैं बंटू। DRSO के चीफ भी आ रहे हैं यहाँ पर, ये सिक्योरिटी उन्हीं के लिए है। वो सीक्रेट कॉल वाले, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमें ना केयरफुल रहना पड़ेगा। आज भी मुझे उनका फोन आया था बंटू, धमकी दी उन्होंने मुझे, यहाँ पर इतनी भीड़ बढ़ गई है मुझे और डर लग रहा है। डर वीर को लग रहा है, हीरो वनटा को नहीं। तू एक काम कर, इनविजिबल होकर सब पे नजर रख, मैं विजिबल होकर रखता हूँ। नजर तो रखनी होगी बंटू, मुझे पूरा यकीन है कि पापा यहां जरूर आएंगे। भीड़ कुछ ज्यादा ही है यहां, अगर इनकी सुरक्षा व्यवस्था से कोई असर गुजरे तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी पता नहीं, पर क्यों ना पता कर लिया जाए। नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है सर? लगता है सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, चारों तरफ देखो, जो जहां है वहीं रुक जाइए, कोई कहीं नहीं जाएगा।
के स्टार। तुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो हीरो गायब हो सकता है तो तेरे पास एलियंस की पावर है। लेकिन वो तो हीरो है, तू विलेन, सुपर विलेन। लेकिन मुझे ना हीरो से ज्यादा फेमस होना है, उसके लिए एलियन से और पावर लेनी होगी। तो रिस्की है ना, रिस्की है, जुआ तो खेलना होगा। रॉकी, से दूर यहां से प्रवेश करना ही उचित रहेगा। जो भी करना है गुप्त रूप से करना है, वरना मेरी योजना विफल हो जाएगी। जुआ खेलना होगा। जुआ खेलेगा? हाँ, 50 लाख रुपए गवा दिए, इसके बाद भी अकल नहीं आई तुझे? तुझे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, और क्या क्या करता है तू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा यहीं कहीं आसपास है मेरे, या सिर्फ ये मेरा एक वहम तो नहीं? मामा जी। वीर। हाँ मामा जी। तुझे पता था कि रॉकी जुआ खेलता है? क्या, कहाँ है तू? मामा जी, मैं किसी की शोक सभा में आया हुआ था। यार, तेरा भाई रॉकी मेरी मैयत निकालने की तैयारी कर रहा है। मामा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये शोक सभा निपटा के तुरंत वहां आता हूँ, मैं करूंगा रॉकी से बात। जल्दी आ बेटा। जी मामा जी। जल्दी आ। एक ये बच्चा मेरा है वीर, तुझे तो बचपन से सब कुछ सोने की थाली में परोस कर मिला है, फिर भी तू ये। शर्म नहीं आती नालायक? उम्र में छोटा है तुझसे और उसके पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं है, फिर भी वो हर चीज में, हर काम में नंबर वन है, अव्वल नंबर वन। He is better than what you are.
कौन था यहाँ? पापा? ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे? लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं मैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.